नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी उत्तरी हरियाणा की संयोजक चित्रा सरवारा ने कहा कि अगर सरकार की ओर से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों के समर्थन में हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से खेल मंत्री संदीप सिंह के बचाव में दिए बयान से साफ जाहिर होता है कि सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल कागजी है। उन्होंने कहा कि सरकार को हरियाणा की बेटी की शिकायत पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ये दिखावा या ढकोलसा नहीं होना चाहिए, न्याय पाना उनका एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि जहां आज बड़े बड़े दावे सरकार के मंत्रियों की ओर से किए जाते हैं, बड़े बड़े दरबार लगाकर एक मौखिक शिकायत पर अधिकारी तक सस्पेंड कर दिए जाते हैं, परंतु एक बेटी की ओर से FIR दर्ज करवाने के बावजूद मंत्री अपने पद पर बना रहे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस हरियाणा के लिए नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से कुश्ती संघ बर्खास्त किया जाए और मामले की उच्च स्तरीय जाँच भी कराई जाए। चित्रा सरवारा ने कहा कि पहले हरियाणा के महिला एथलेटिक्स कोच और अब कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से भाजपा सांसद पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले से ये साफ होता है कि आज के समय में भाजपा के मंत्रियों और सांसदों से ही बेटी बचाना जरूरी है। इस दौरान चित्रा सरवारा ने कहा कि सरकार को मंत्री एवं सांसद पर कार्रवाई करते हुए उनके हक में उतरकर खिलाड़ियों के सम्मान में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सरकार में बैठे मंत्री और सांसदों की ओर से खिलाड़ियों पर किए जा रहे उत्पीड़न से खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है। अब खिलाड़ी मैदान में अभ्यास करके अपने प्रदर्शन को मजबूत करें या फिर सरकार में बैठे छोटी सोच के मंत्री सांसदों के सिस्टम से लड़ाई लड़ें। खिलाड़ियों की दूसरी मांग को भी सही बताते हुए उन्होंने कहा कि खेल पॉलिसी को भी बड़ी संवेदना के साथ बनाना चाहिए। किसी मंत्री को कुश्ती संघ का चेयरमैन बनाने की बजाय सरकार को किसी पूर्व खिलाड़ी को उसका चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए, ताकि वो अपना अनुभव और ज्ञान भी कुश्ती संघ के लिए लगा सके और देश प्रदेश में हरियाणा का एवं खिलाड़ियों का नाम भी रोशन हो। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली जंतर मंतर में देश के नामचीन रेसलर्स, जिसके अंदर महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने एशियाड हो या ओलंपिक या अनेकों अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम जो है चमकाया था, रोशन किया था, मेडल्स जीत कर आए थे, आज वो सब सड़कों पर उतरे हुए हैं इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ, उसके चेयरमैन और उसकी पॉलिसी नीति और नियत के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं रेसलर्स, उनके द्वारा लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस बेहद गंभीर हैं, संगीन हैं और बहुत ही, मैं कहूंगी, सेंसिटिव हैं। और उन बेटियों के लिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल पाना इस बात का गवाह है कि वो किस हद तक प्रताड़ित होंगी। आज हमारी सरकार से गुहार है कि हालांकि आपसे हमें ऐसे मामलों में कोई ज्यादा आपसे होप नहीं है, क्योंकि भाजपा कभी भी किसी बेटी के ऐसे मान सम्मान की लड़ाई हुई है तो कमाल की चुप्पी और इनएक्शन भाजपा ने उसमें दिखाया है। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं, हमें आशा है कि सरकार इनकी सुनेगी और कुछ भी हो हर मामले में भाजपा सरकार, चाहे वो हरियाणा की है चाहे देश की है, और देश की कोई भी सरकार हो वो देश बेटियों के पक्ष में इस मैदान में उतरेगी। हरियाणा में हमने हाल ही में देखा एक महिला कोच जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, कोचिंग कर रही है, उसने मौजूदा सिटिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम लगाए सेक्सुअल हरासमेंट के। आज तक वो बेटी किसी ना किसी रूप में खुद एक सेक्सुअल हरासमेंट आज भी फेस कर रही है। बेटियों के लिए खुलकर सामने आना, ये इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूंगी मीडिया और हर हैंडलिंग एजेंसी इस मामले को बहुत ही संवेदना से हैंडल करे, एक और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन या हनन की यहाँ पे कोशिश ना करी जाए। जैसा कि हमने हरियाणा के केस में भी देखा, हमारे मंत्री साहब आज भी बरकरार हैं, हमारे गृह मंत्री जिनका इंसाफ की बड़े चर्चा अभी हाल ही में अखबारों में छपे, मौखिक शिकायत के ऊपर अक्सर तो सस्पेंड हो जाते हैं लेकिन लिखित FIR के ऊपर आज तक वो मंत्री बरकरार हैं और वो बेटी इंसाफ के इंतजार में है। आज हम यही कहेंगे कि हरियाणा कमजोर नहीं है, हरियाणा की बेटियां कमजोर नहीं है। आज उनकी आंखों में आंसू आ गए हों लेकिन उनकी कमजोरी नहीं झलकाता किसी भी तरह से। और जब ये प्लेयर्स जो खून पसीना देश के लिए बहाते हैं, प्रशासन और सरकार की वजह से इनकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो वो सच में देश के लिए काला दिवस है। ये एक एक आंसू सरकार पे बहुत भारी पड़ेगा। हमारी सरकार से फिर गुहार है, इन बेटियों द्वारा, इन प्लेयर्स द्वारा लगाए गए सारे इल्जामों का जो है निष्पक्ष जांच हो, नीति के अंदर प्लेयर्स की सांझ लेकर पॉलिसी बनाई जाए और फ्रेंकली स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन को ही चेयरमैन टाइप पोजिशन में आना चाहिए, क्योंकि वो संवेदना से काम कर सकते हैं। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बेटियां हमने बचा भी ली, पढ़ा भी ली, लड़ा भी ली, लेकिन इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? आज सरकार की तरफ हमारी आंखें।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।